वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। महानगर के 70 वार्डों में सैनिटाइजेशन के साथ अब नगर निगम में पहली बार शामिल 32 गांवों में भी नगर आयुक्त अविनाश सिंह के नेतृत्व में सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया गया, जिसके तहत बुधवार को भरवलिया एवं पथरा गाँव के व्यापक सैनिटाइजेशन किया गया। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सैनिटाइजेशन का महाअभियान नगर निगम में सम्मिलित 32 गांवों में निगम की छोटी बड़ी गाड़ियों से सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इस दौरान अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जैसा कि आपके संज्ञान में है, उत्तर प्रदेश शासन के गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जो नगर निगम की सीमा से जुड़े हुए 32 गांव हैं, उन गांवों को विस्तारीकरण के क्रम में नगर निगम की सीमा के भीतर सम्मिलित कर लिया गया है। और कोरोना के पीरियड में यहां पर एक संक्रमण को की जो चेन है उसको ब्रेक करने के लिए एक व्यापक पैमाने पर एक महाअभियान सैनिटाइजेशन का चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज हम अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पर भरवलिया जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। इसके साथ साथ हमारा एक विशेष सफाई अभियान भी यहाँ पर जो चल रहा है,
जिसके तहत हम लोग जो है पूरे जितनी भी कूड़े के ढेर हैं उनको हटाकर वहाँ पर चूना और मेलाथियॉन का घोल डाला जा रहा है। इसके साथ साथ जितने भी हमारे घर हैं उन घरों को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। इसमें हमारी टोटल 8 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, 6 छोटी गाड़ियाँ हैं, 2 हमारे ट्रैक्टर हैं और 1 जो है जेटिंग मशीन है। उद्देश्य यही है कि भरवलिया और उससे जुड़े हुए आज जो 6 गाँव हैं उनको हम लोग पूरी तरह से सैनिटाइज करेंगे, उनको एक जो फॉगिंग, विशेष सफाई, नाला सफाई, इस सब सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उससे इनको पूरी तरह हम लोग सैचुरेट कर देंगे, जिससे कि जो कोरोना के खिलाफ हमारा अभियान चल रहा है कोरोना के संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए उसमें हम लोग को सफलता मिल सके। देखिए ये वर्कलोड निश्चित रूप से बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नगर निगम अपने इस संकट की इस घड़ी में हम सब लोग अपने जनपद वासियों के साथ, अपने नगर वासियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी विस्तारीकरण की प्रक्रिया के तहत नगर निगम की सीमा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में इनके सुख दुख में नगर निगम पूरी तरह से इनके साथ खड़ा है और इसीलिए इस महामारी के घड़ी में हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारे इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हमारा संक्रमित हो या कोई भी कोविड पॉजिटिव हो या किसी के अंदर भी किसी प्रकार कोई लक्षण आए। उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सैनिटाइज कराने के साथ साथ यहाँ के जो पूर्व प्रधान या यहाँ के मानिंद लोग हैं उन सबको लेकर सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को मिलाकर जो यहाँ की मोहल्ला निगरानी समिति है उसका भी हम लोग गठन करके उसके माध्यम से भी हम लोग यहाँ पर जो भी कोविड पॉजिटिव वगैरह हैं या जो कोविड के सस्पेक्टेड पेशेंट हैं उनको मेडिकल किट पहुँचाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं।